नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये जो आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपके यूपीएससी के प्रीलिम के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि और भी चीज़ें आपको पता है। जो नहीं पता है या जो डिफ़िकल्ट होता है आपको याद करने में, उसी को हम यहाँ पर चुन के लाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो देखिए, जो पैक होता है, पब्लिक अकाउंट कमीशन या कमेटी आप कह सकते हैं, ठीक है, वो सॉरी कमेटी होगा, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? वो लोकसभा वक्ता यानी कि लोकसभा स्पीकर को सौंपती है। आपके ऑप्शन रहेंगे भारत के राष्ट्रपति, कैग और संसदीय मामलों के मंत्री। तो देखिए, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हम आपको बताते हैं। जो कैग होता है, ठीक है, कैग जिसको हम कहते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, तो ये जो होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? जो इसे नियुक्त करता है। और कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यानी कि देखिए, एक ट्रिक आपको मैं बता दूं, जिससे कि आप कहीं भी फंसेंगे तो ये ट्रिक अपनाइएगा। रिपोर्ट उसी को सौंपेगा जिसको जो उसको नियुक्त करेगा। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मैंने नियुक्त किया कि आप ये काम करो मेरे लिए, तो उस काम का रिपोर्ट मुझे ही सौंपोगे ना। तो उसी तरीके से कैग को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो कैग अपना जो रिपोर्ट है किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। और ये जो पैक है, इसका जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा स्पीकर करता है। तो यानी कि जो ये अपनी रिपोर्ट है किसको सौंपेगा? लोकसभा स्पीकर को। तो मुझे लग रहा है कि अब से ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो लगभग हर जगह ये सही होगा। ठीक है, ऐसे भी आप नेचर वाइज भी देख सकते हैं ना। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि कैसे जो नियुक्त करेगा उसको रिपोर्ट सौंपेगा। अब देखिए, कैग जो रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको संसद में भेज देती है। संसद में भेज देती है, उस रिपोर्ट को ये चेक करता है लोक लेखा समिति चेक करता है। ठीक है, लोक लेखा समिति इसके कैग की रिपोर्ट को चेक करता है, उसके बाद ये सबमिट कहाँ पे कर देता है? ये लोकसभा स्पीकर को। तो एक हायरार्की आपको समझ में आ गया कि पहले यहाँ पे कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति संसद भवन में इसको ले जाएंगे यानी कि संसद को सौंपेंगे, यहाँ पे फिर लोक लेखा समिति इसको चेक करेगा और फिर ये स्पीकर को दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हायरार्की यहाँ पे बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से चीज़ें याद कीजिएगा भाई, तो चीज़ें एकदम से कंसेप्ट बाई कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। आप सोचते हैं कि हम रेलवे के स्टूडेंट हैं, रेलवे के एस्पिरेंट हैं, तो बस एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर इस तरह से याद करेंगे तो काम चल जाएगा भाई। उस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, आपको कहाँ से बीच से एक क्वेश्चन बना के दे देगा, आपको भी नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह से याद कीजिएगा। बाकी बहुत सारे चैनल पे इसी तरह से क्वेश्चन याद करवाए जाते हैं, ये क्वेश्चन दे दो, चार ऑप्शन दे दो, टिक मारो, आगे बढ़ो। तो वैसे अब काम नहीं चलता भाई, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना है तो पढ़िए, कोई जोर जबरदस्ती तो हो नहीं सकती है ना भाई। अगला देख लेते हैं, संसद के दोनों सदनों की एक चूरे या संयुक्त समिति किसके द्वारा बनाई जाती है? देखिए, कभी कभी होता था कि जैसे कि आपके ऐसे कुछ समिति होती है जिसमें कि एक ही संसद के जैसे आपके लोकसभा के ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 कैंडिडेट होते हैं, उसमें कि दो दो लोकसभा और राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। तो ये हो गया संयुक्त समिति। और एक होता है कि जैसे आपके एक होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एक होता है एक्सटीमेशन कमेटी, सॉरी एक्सटीमेशन कमेटी। तो उसमें क्या होता है, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं। अब 30 सदस्य होते हैं तो वो पूरा किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। तो ये सिर्फ एक सदन का समिति हो गया। तो ये है, कह रहा है कि संसद के दो दो सदनों की एक चूरे या संयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये जितने भी समिति हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। आपके ऑप्शन रहेंगे लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के, और राज्यसभा के सभापति यानी कि अध्यक्ष ही उसको बोल सकते हैं दूसरे टर्म में, के संयुक्त रूप से दोनों मिलकर चुनते हैं। तो नहीं, सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं। देखिए, आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कैसे कि राज्यसभा के भी इसमें सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको राज्यसभा के सभापति से भी विचार विमर्श करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि संसद के दो दो सदनों की एक चुने या संयुक्त समिति चुने। ठीक है, उसके लिए उसको कौन चुनता है या किसके द्वारा बनाई जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है,
राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श करके ये बनाया जाता है, जो कमेटी है वो अध्यक्ष बनाते हैं, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति से कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जाता है, प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श करके, तो ये भी नहीं। मतलब कि अध्यक्ष के पास फुल पावर है कि वो किसी तरीके की कमेटी गठित कर दे, ठीक है, ना ही वो राज्यसभा के सभापति से पूछेंगे, ना ही वो राष्ट्रपति से पूछेंगे, ना ही प्रधानमंत्री से पूछेंगे, वो अपनी उनकी खुद की मर्जी होती है, यानी कि कोई भी समिति गठन करने में। अगला देख लेते हैं, भारत के संविधान में शब्द संघीय किसमें दिखाई देती है, ये क्वेश्चन तो मैंने कल भी कराया है, तो ये आपको याद हो गया होगा। अगला देख लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान द्वारा विशेष रूप से क्या कार्य निर्धारित किया गया है, यानी कि संविधान में उपराष्ट्रपति को, यहाँ पे देखिएगा, संविधान में उपराष्ट्रपति को क्या कार्य दिया गया है ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होते हैं क्या उपराष्ट्रपति, संविधान में ऐसा कहा गया है क्या, आपातकाल के समय राष्ट्रपति की सहायता करेंगे क्या, ऐसा मतलब कुछ कहा गया है, या कोई कार्य नहीं इनके बारे में लिखा गया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए, जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उनके बारे में कोई कार्य लिखा ही नहीं है, इवन वो पादेन ये होंगे अध्यक्ष होंगे, आप कह सकते हैं स्पीकर होंगे राज्यसभा के, ये भी नहीं लिखा गया है, ठीक है, जो पादेन स्पीकर होते हैं राज्यसभा के, ये भी वर्ड नहीं लिखा गया है। तो यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, वाइस चांसलर भी नहीं होते हैं विश्वविद्यालय के, या आपातकाल के समय राष्ट्रपति की सहायता भी नहीं करते हैं, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है हमारे संविधान में, तो यानी कि कोई कार्य का वर्णन नहीं किया गया है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि क्या उपराष्ट्रपति वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, क्या ऐसा संविधान में लिखा गया है, तो ये भी नहीं लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, होते हैं लेकिन कहीं लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो ये भी, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी अंदर की बातें हैं जो कि आप ध्यान नहीं देते हैं, आप तो सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि पादेन उसका स्पीकर होता है, बस इतना। अब ये लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यूपीएससी के सदस्यों को किसके द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाया जा सकता है, तो देखिए आपसे किस तरह के इसमें और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जाएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा हटाया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, सॉरी, या संसद की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है ये आपको पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे या संसद की सिफारिश पे। तो अक्सर आप अगर नहीं एग्जैक्ट याद करेंगे तो क्या याद आता है, मतलब कि या आप कंफ्यूज कैसे होंगे कि राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे काम करता है, मंत्रिमंडल के सिफारिश पे काम करता है कोई भी काम, तो यानी कि संसद के ही सिफारिश पे हटाएगा, ऐसा आप तुक्का मानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये यूपीएससी के सदस्य की हटाने की बात है, जैसे कि अब सदस्य है तो उसका एक अध्यक्ष भी होगा, तो आप यहाँ पे अगर तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है आप अध्यक्ष पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक डिफ्रेंशिएट करके पढ़नी है कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे राष्ट्रपति हटाता है। अब कैसे, देखिए इसमें एक और किस बेसिस पे हटाया जा सकता है, सिर्फ मिसबिहेवियर, दिवालिया घोषित, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस आधार पर यूपीएससी के सदस्य को हटाया जा सकता है, दिवालिया घोषित पे, कि वो दिवालिया हो चुका है, दिमागी रूप से सक्षम नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन रहेंगे, या मिसबिहेवियर के आधार पे। तो आपको कहाँ पे टिक करना है, मिसबिहेवियर के आधार पे यूपीएससी के सदस्य को या अध्यक्ष को हटाया जाता है, ठीक है। इस तरह से एक एक वर्ड को ध्यान में रखना मेरे भाई, क्योंकि इसी तरह से कन्फ्यूज किए जा सकते हैं। हालांकि आपके रेलवे के एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन आप यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इस तरह के एग्जाम देते हैं ना, तो एक एक वर्ड पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह के वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, इनमें से एक, इनमें से दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। तो मिसबिहेवियर के आधार पर यूपीएससी के सदस्य को हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया जाता है, देखिए मिसबिहेवियर जैसे ही आ गया तो उसको चेक करने के लिए कि क्या इसने मिसबिहेवियर किया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा चला जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस पे मतलब कि इसको चेकिंग करती है, इसको देखती है कि क्या ये सही बात है कि इसने मिसबिहेव किया है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना रिपोर्ट किसको देती है, ये आपको राष्ट्रपति को देती है, और राष्ट्रपति उस बेसिस पे हटा सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो यूपीएससी के सदस्य हो या यूपीएससी के अध्यक्ष हो, 300, अब एक आर्टिकल भी आपको याद कराते हैं, 311 क्या कहता है, इसके प्रोटेक्शन की बात करता है, जो यूपीएससी के अधिकारी होते हैं, जितने आईएएस आईपीएस जितने भी अधिकारी होते हैं
उनको प्रोटेक्शन देता है 311। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद यूपीएससी के अधिकारी को या यूपीएससी के सदस्य को प्रोटेक्शन देता है, तो ये 311 जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं सबको प्रोटेक्शन देता है। इसका स्टेटमेंट क्या है इस अनुच्छेद का कि कोई भी सब ऑर्डिनेट इसको नहीं हटा सकता है। सब ऑर्डिनेट मतलब कि जो नियुक्त किया उससे नीचे वाला रैंक कोई नहीं हटा सकता इसका। तो नियुक्त कौन करता है? नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से नीचे तो सभी होते हैं, तो यानी कि कोई भी नहीं हटा सकता है। तो यानी कि ये जो 311 अनुच्छेद है वो प्रोटेक्शन करता है कि इसको आईएएस आईपीएस जितने भी अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि कोई भी सबऑर्डिनेट अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जो भी कि सबऑर्डिनेट है वो नहीं हटा सकता है। किसको नहीं हटा सकता? आईएएस आईपीएस को, यानी कि जो नियुक्त किया है उससे नीचे वाले व्यक्ति इसको नहीं हटा सकते। तो हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। किसकी सिफारिश पे? सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पे, ना कि आपके संसद के सिफारिश पे। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये प्रश्न पूछा जाता है उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। देखिए उपराष्ट्रपति कहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो सभापति, अगर हम लोकसभा की बात करें तो सभापति होते हैं स्पीकर, ठीक है। वो अपना जो रिजिग्नेशन लेटर है वो किसको देते हैं? उपसभापति को। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन में ये भी आ सकता है कि ये राज्यसभा के उपसभापति को देंगे, ठीक है। वो लोकसभा में सभापति अपने उपसभापति को दे रहे थे, तो राज्यसभा में भी सभापति अपने उपसभापति को देंगे, तो नहीं ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए सीमा निर्धारण के तहत चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य जो 2001 का सेंसस आया था, यानी कि जनगणना आया था, उसके आधार पर सीमा का निर्धारण किया गया था। जनगणना के ही आधार पर सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो जनगणना के आधार पर जो 2001 में सेंसस आया था, उसके बाद जो प्रथम राज्य बना था, ठीक है, प्रथम सॉरी राज्य कह रहे हैं, जो परिसीमा जितने भी बने थे चुनाव आयोग के द्वारा, तो उसमें जो प्रथम राज्य था वो कौन था जो कि उसके बाद चुनाव करवाया था? कर्नाटक 2008 में करवाया था, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें जितने भी मैंने आज कराए वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।